याददाश्त और सेल्फ हिप्नोसिस, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक व्यक्ति 55 साल का मेरे पास में आया, बोले मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हुई है और अक्सर अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी उम्र के हिसाब से, अभी जैसी अभी उम्र का तकादा है और मेरी अभी याददाश्त धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले 5-6 महीने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कमजोर हो चुका हूँ, मेरी याददाश्त कमजोर है और उम्र के हिसाब से ऐसा हो रहा है और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, इससे क्या करूँ। जब मैंने उसको पूछा, डिटेल इंटरव्यू लिया, तो मालूम पड़ा कि एक दो चीज़ वो स्वाभाविक रूप से कहीं भूल गया। तो उसके बेटी ने उसको ये बोला कि पापा, हो सकता है कि तुम्हारी अभी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और तुमको याददाश्त अभी है ना आजकल कठिन दिख रहा है, मेरे को क्या होगा मालूम नहीं है, तुम्हारी याददाश्त दिन ब दिन कम कम होती जा रही है। अभी उसने जैसा एक कमेंट पास किया, वो इतनी सीधी अंदर जाके सबकॉन्शियस माइंड में कमेंट घुस गई कि मेरी उम्र ज़्यादा हो रही है और मेरी बेटी ऐसा बोल रही है कि तुम्हारी याददाश्त अभी कम होती जा रही है, उम्र के हिसाब से भी कम कम हो रही है क्योंकि तुम ये भूल गए। अब अवचेतन मन ने अपना काम शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसकी याददाश्त सच्ची कम होने लगी, छोटी छोटी चीज़ें वो भूलने लगा और ज़्यादातर मतलब ऐसा मालूम हुआ कि जो नॉर्मल जो चीज़ है रोज की वो ज़्यादा भूल रहा है। तो किसने फिर उसको बोला कि आपको अल्जाइमर्स तो नहीं हो रहा है, अल्जाइमर डिसीज, अल्जाइमर डिमेंशिया तो नहीं हो रहा है, आपको डिमेंशिया की बीमारी हो रही है, कोई बोल रहा आपको डिप्रेशन है, पता नहीं। वो मेरे पास में आ गया, जब उसको कारण देखा कि भाई एक कॉमेंट जब उसके लड़की ने उसको किया कि पापा तुम्हारी याददाश्त कम हो रही है क्योंकि आपकी उम्र बढ़ते जा रही है और उम्र का तकादा है इसलिए आप ये भूल रहे हो, तो कॉन्शियस माइंड जो है, तार्किक मन जो है, तार्किक मस्तिष्क, लॉजिकल माइंड, उसने उसको कोई लॉजिक लगाया नहीं, सीधा अंदर उसको घुसने दिया सबकॉन्शियस माइंड में और वहां से फिर ऑपरेशन चालू हो गया। फिर मैंने उसको बोला ठीक है, हरकत नहीं, अभी जो हो गया हो गया, अभी आप रोज सेल्फ हिप्नोसिस करो, खुद को कम से कम 4 बार 5-5 मिनट आप सेल्फ हिप्नोसिस से सेल्फ सजेशन दो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि भाई मेरी याददाश्त दिन दिन अच्छी हो रही है, मेरी याददाश्त दिन दिन अच्छी हो रही है, मैं जो जो काम करते रहता हूँ वो मुझे पूरा याद रहता है, मैं पढ़ता हूँ तो मुझे याद रहता है, लोगों के नाम मुझे याद रहते हैं, ऐसा आप, और मैं दिन ब दिन अच्छा होते जा रहा हूँ, दिन ब दिन मेरी याददाश्त अच्छी होती जा रही है, ऐसे आप सेल्फ सजेशन दो, विजुअलाइज भी करो कि भाई नहीं, मैं सबसे मिलता हूँ उनका नाम मुझे याद आ रहा है, शेक हैंड कर रहा हूँ लोगों से, लोग बोल रहे हैं कि वाह वाह आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी हो गई, आप तो बहुत दिन से मिलने के बाद में पहचान रहे, ऐसा आप अपना विजुअलाइज भी करो और खुद को सजेशन भी दो ताकि वो जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है पक्का जाके एक विचार कि अभी मेरी उम्र हो गई है और मेरी याददाश्त अभी कमज़ोर हो गई है, ये निकलने को टाइम लगेगा, सीधा जो अंदर गया है एकदम शॉर्ट, वो सेल्फ सजेशन से उसने 3 हफ्ते तक उसको बार बार दोहराया, वहाँ से वो निकल गया। 3 हफ्ते के बाद में मुझे आके बोला कि मुझे बहुत अभी अच्छा लग रहा है। तो आपको ये देखना है कि सच्चे ऐसा हो गया है कि मेरा विश्वास वैसा हो गया, लॉजिक लगाना जरूरी है। किसने बोल दिया कि तुमको अल्जाइमर हो गया तो आपकी याददाश्त बराबर नहीं है, आपको डिप्रेशन है, अमन चालू हो जाते हैं, तो ऐसा ना करते हुए उसके ऊपर मतलब वो बात को अपने ऊपर हावी ना होते हुए, इमोशनली उसमें चार्ज न होते हुए लॉजिकली थिंकिंग करो, सोचो क्या हो रहा है। तो नहीं तो एक बार आपने अंदर घुसने दिया और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में गया, सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर विश्वास करता है और वहीं से फिर ऑपरेशन शुरू हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।